हेलो एंड वेलकम। आज हम यह देखते हैं कि गूगल मीट में जो आप क्लासेस ले रहे हैं उसका अटेंडेंस कैसे रिकॉर्ड करेंगे आपके मोबाइल फ़ोन पे। तो लेट्स बिगिन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है कीवी ब्राउज़र, दिस ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। प्ले स्टोर जाएंगे, वहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है कीवी ब्राउज़र। तो ये ऐप जब इंस्टॉल हो जाएगा, आफ्टर दैट क्लिक ऑन इट एंड दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ कीवी ब्राउज़र। अब आपको कहाँ जाना है? दीज थ्री डॉट्स गए, वहाँ पे जाके सेटिंग्स, सेटिंग्स में जाके साइट सेटिंग्स, और साइट सेटिंग्स में जाके डेस्कटॉप मोड बाय डिफ़ॉल्ट। इसको आपको इस तरह से ऑन कर लेना है। ओके, सो सेटिंग्स, साइट सेटिंग्स, डेस्कटॉप मोड बाय डिफ़ॉल्ट। सेटिंग्स डन। अब हम यहाँ टाइप करेंगे क्रोम वेब स्टोर, क्रोम वेब स्टोर। ठीक है, क्रोम वेब स्टोर टाइप आपने कर लिया। अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके आप देख लीजिए कि आप किस पर्टिकुलर अकाउंट में लॉग्ड इन है, क्योंकि मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं फ़ोन में, तो आप कैसे लॉग्ड इन है देख लीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि दूसरे अकाउंट से लॉग्ड इन हो, तो आप साइन इन विथ अनदर अकाउंट करेंगे, साइन इन विथ अनदर अकाउंट, वहाँ आप अपना जी सूट का अकाउंट डाल दीजिए। तो मैंने डाल दिया था, तो ऑटोमेटिकली द अदर अकाउंट इज़ ऑल्सो कमिंग। तो प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर साइंड इन टू योर जी सूट अकाउंट। ओके, आफ्टर दैट ये जो बॉक्स है, ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है लेफ्ट टॉप में, यहाँ आप क्लिक करेंगे एंड लिखेंगे मीट अटेंडेंस। ओके, मीट अटेंडेंस, एंड आप एक्सटेंशंस पे पॉइंट आउट कर देंगे, एक्सटेंशंस को चूज़ करेंगे मीट अटेंडेंस। तो मीट अटेंडेंस आपको दिख रहा है, इतने सारे ओपन हो रहे हैं, आप चूज़ कर लीजिए दिस वन। ठीक है, ये ग्रीन टिक वाला चूज़ कर लिया एंड क्लिक ऑन ऐड टू क्रोम। ये आएगा एक पर्टिकुलर मैसेज बॉक्स। ओके, ठीक है, तो ये आपका मीट अटेंडेंस अभी हो गया एडेड। अब आप यहाँ आइए एड्रेस बार में एंड वहाँ आप गूगल क्लासरूम, क्योंकि गूगल क्लासरूम भी आपको वेबसाइट में ही ओपन करना है, ना कि ऐप में। तो ये रहा गूगल क्लासरूम, साइन इन कीजिए। साइन इन आपने कर लिया, अब यहाँ भी देख लीजिए आप किस अकाउंट में हैं और चेंज कर लीजिए अपना अकाउंट। तो ये रहे आपके क्लासेस, आपके अकॉर्डिंगली आपके क्लासेस खुलेंगे जो क्लासेस आपने बनाए हुए हैं। क्लिक ऑन एनी वन ऑफ द क्लासेस, गेट टू सी द मीट लिंक। आपको मीट लिंक तो दिखता ही है। ओके, आप यहां से भी कॉपी कर सकते हैं मीट लिंक को, सेटिंग्स, सेटिंग्स में जाके ये रहा आपका मीट लिंक, ये रहा मीट लिंक, इस एरो पे क्लिक कीजिए, कॉपी। ओके, फिर से आइए इस एड्रेस बार में, ये जो एड्रेस बार है फिर से यहाँ आइए एंड यहाँ पे आप उस मीट लिंक को कर दीजिए पेस्ट एंड गो।
ठीक है। गूगल बार बार आपसे अकाउंट का इन्फॉर्मेशन मांगता है, किस अकाउंट से आप लॉग्ड इन है। तो ये हम पहुंच चुके हैं गूगल मीट के पेज पे। आप देख सकते हैं कि गेटिंग स्टार्टेड एक डायलॉग बॉक्स खुला है। इसका मतलब सक्सेसफुली आपका मीट अटेंडेंस इंस्टॉल हो चुका है। ओके, तो इसके बाद आप बेसिकली ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक कर दिया ज्वाइन नाउ पे। तो फ़िलहाल तो अभी कोई स्टूडेंट है नहीं, तो इसीलिए सिर्फ ओनली माई प्रोफाइल पिक्चर इज़ शोइंग। एंड आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, योर मीट हैज़ स्टार्टेड, ये बार बार आ रहा है। नीचे एक टिक मार्क आ रहा है, आपको दिखा होगा नीचे एक टिक मार्क आ रहा है, ठीक है। तो ये टिक मार्क इंडिकेट कर रहा है कि आपका मीट अटेंडेंस एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इस टिक मार्क पे अगर हम क्लिक करें तो देखिए एक बॉक्स खुलता है, और जो बच्चा आपके क्लास में आएगा उस बच्चे का नाम यहाँ शो हो जाएगा, उस बच्चे का नाम। तो अब आप देखिए कि बच्चे जैसे ही ज्वाइन कर रहे हैं क्लास में, उनका नाम दिख रहा है क्लास लिस्ट में। ओके, तो दो बच्चों ने ज्वाइन किया, आप उस क्लास लिस्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो वो हाइलाइटेड हो जाएगा और आपको बच्चों के नाम दिखेंगे। तो ये दिख रहा है हमारा क्लास लिस्ट। एंड उसी क्लास लिस्ट में काफ़ी और ऑप्शंस भी है। अब देखिए, अगर हम पीपल सेक्शन के मीट में जाते हैं तो यही दो बच्चे हैं जो ज्वाइन किए हैं, जयश्री एंड तनिषा। तो उनके नाम आपको दिख रहे हैं क्लास लिस्ट में। तो जैसे जैसे बच्चे आएंगे, क्लास लिस्ट आपका अपडेट होता जाएगा, सारे बच्चों के नाम, दो पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं। अब वहीं पे एक फ्लॉपी साइन है, अगर उस पर आप क्लिक करते हैं तो आप अपना क्लास लिस्ट सेव करके रख सकते हैं। ओके, ये CSV फाइल में सेव होता है। CSV होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, जो यूजुअली एक एक्सेल के फॉर्मेट में ही आता है। तो आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिए, और इस तरह से आप फोल्डर सिलेक्ट कर लीजिए, और आप क्लास लिस्ट वो नाम भी चेंज कर सकते हैं, बोथ यू कैन चेंज। एंड आप इस तरह से सेव करके रख सकते हैं हर दिन का क्लास लिस्ट। तो बेसिकली एवरी डेज अटेंडेंस विल बी स्टोर्ड इन द डाउनलोड्स फोल्डर। अब नेक्स्ट इज कि अगर आपका ये पर्टिकुलर क्लास ख़त्म हो गया है और नेक्स्ट क्लास आ गया है, ओके, देन ये देखिए आपको डिलीट करना पड़ेगा सारे नाम। जो फर्स्ट ऑप्शन है, आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको डिलीट करना पड़ेगा सारे नाम, एंड देन ओनली आपका ये पर्टिकुलर लिस्ट एम्प्टी हो जाएगा। तो आप इसको एम्प्टी करके रख सकते हैं, ठीक है। तो हर योर ऑल द मीट लिंक्स आर डिफरेंट, आपका हर एक मीट लिंक अलग है हर एक क्लास के लिए। तो इस तरह से हर बार जो भी मीट लिंक आप ओपन करेंगे, ये पर्टिकुलर अटेंडेंस का जो आपको विंडो दिख रहा है ये खुल जाएगा, और जैसे जैसे बच्चे ऐड होंगे इसमें आपको बच्चे दिखेंगे।